जो दक्षिण देश में जांब नाम का एक नगर था। क्या नगर? जांब नाम। बड़ा सुंदर नगर। इस सुंदर नगर में एक श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुलभ वैश्य। वैश्य यानी व्यापारी। धनवान तो ये व्यापारी लोग ही होते हैं। सुलभ व्यापारी बड़ा ही गुण संपन्न, आए हुए अतिथियों का सम्मान करने वाला, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को व्यवस्थित समय पर करने वाला, संस्कारी गुणी, अपने परिजनों का, अपने पीछे अनुचरों का ध्यान देने वाला, उत्तम भाषा, उत्तम आचरण, उत्तम चरित्र वाला, बड़ा गुणवान जांब नाम के इस नगर में रहता था। और इनकी पत्नी थी सुमुद्रा। क्या थी? सुमुद्रा। इस वैश्य का नाम क्या था? सुलभ। हाँ, सुलभ। तो तुरंत सोचा ले, याद आवे तो काम नहीं आवे। सुलभ वैश्य का नाम है। सुलभ वैश्य बड़ा ही उत्तम गुण वाला, उसकी पत्नी का नाम था सुमुद्रा। सुमुद्रा भी गुणवान, धर्मपरायण, श्रेष्ठ, ये अपने कर्मों में, भक्ति में लीन होने वाले, भगवत भक्ति आराधक साधक, अपने व्यवस्था पूजा आराधना में रहने वाले। एक दिन इनके द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आके खड़ा हुआ। इस गरीब ब्राह्मण ने बहुत समय से भोजन नहीं किया होगा, लंबा दिन निकल गया होगा, ऐसे कृशकाय वाला शरीर ऐसे धूज रहा है, कंपित हो रहा हो, भोजन के भूख से आतुर, प्यास से, तृषा से दुखी उसके चेहरे में दिखता था कि ये बहुत दिनों से भूखा है। आंख सब अंदर चले गए हैं, आंख की रोशनी खत्म हो गई, शरीर पर पहना हुआ कपड़ा इतना पुराना और फटा हुआ, देखें तो बड़ा आश्चर्य लगे। एक जनेऊ का मेला टुकड़ा शरीर पर नहीं पड़ा तो कोई नहीं पहचान सकता कि एक ब्राह्मण है। अब ऐसे दरिद्र अवस्था में वो ब्राह्मण भिक्षा की वृत्ति लेके इधर सुलभ वैश्य के द्वार पर खड़ा होके भिक्षा के लिए खड़ा हुआ। जैसे ही दरिद्र ब्राह्मण को देखा, सुलभ वैश्य के मन में आया कि इनको थोड़ा भोजन देके तृप्त करना चाहिए। घर में जो भी भोजन था, एक पात्र में उस भोजन को रोटी सब्जी थोड़ा फल सब लेके सामने आया। लेकिन जैसे ही सामने आया, सुलभ वैश्य मधुसूदन नाम के इस ब्राह्मण को देखा, तो ब्राह्मण को देखते ही मन में लगा कि ये विचित्र वेश है, ध्यान रखना। आप जब अच्छा भोजन करते हो, व्यवस्थित रहते हो ना, आपका सुडोल शरीर देख के आपको घमंड भी आता है, देखो मेरा रूप, मेरा सुंदरता। लेकिन जब भूखे प्यासे व्यक्ति भूख प्यास से तड़पते हैं ना, ये शरीर ही विचित्र आकृति बन जाती है। जब ये विचित्र आकृति को सुलभ वैश्य ने देखा, मधुसूदन ब्राह्मण का, जैसे ही वो भिक्षा के लिए पात्र में जो सामान रखा था देने के लिए गए, उनका रूप देखा तो एकदम विदूषक की तरह लगा और मजाक आया मन में, तो जोर से हंस दिया सुलभ वैश्य ने। ध्यान रखना, आप कितने भी संस्कार सीखे हुए हो, आप कितने भी आचरण जानते हो, कभी भी समय बलवान होता है। समय पर आपके पुण्य या पाप को प्रकट कर देता है। निरंतर साधना पूजा भक्ति आचरण चरित्र संस्कार वाला सुलभ वैश्य अचानक मधुसूदन ब्राह्मण को देख के जोर से हंस दिया। आपको भी मैं कहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं ना, कभी कभी इनसे आसपास में आपका कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है। आपको लगे ये भी पैंट शर्ट पहरा हुआ मेरे जैसा एक व्यक्ति, क्या बड़ा आदमी है, तेरे को मैं देख लूंगा। ध्यान रखना, आज जिस वेश में लोग खड़े हैं वो उसी वेश में खड़े हैं, एक जरूरी नहीं है पिछले जन्म के तपस्वी पुण्यशाली हो सकते हैं। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो साधारण पैंट शर्ट पहने हुए व्यक्तियों के शब्द किसी के जीवन में श्राप बन गए, किसी के जीवन में जाके उनके जीवन को बर्बाद करने वाले बन गए। इसलिए
जहां दिखे वहीं लड़ाई करना, वो शब्दों का उपयोग करके किसी का दिल दुखाना छोड़ दे, ये बहुत जरूरी है। बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो नहीं कभी है बाण बनो नहीं कभी शैतान बनो। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी मत करना, सावधान रहना। ब्राह्मण को देख के ही जैसे ही सुलभ वेश्य हंसा, बहुत दिनों से भूखा वो ब्राह्मण जिसके आंख अंदर चले गए, मुंह में अंधेरा छा गया, लेकिन जैसे ही वैश्य का हंसी देखा, अपमान के कारण ब्राह्मण क्रोधित हो उठा, आंख लाल हो गए, एकदम गुस्से में आ गया। अरे मूर्ख, मुझे देख के हंसता है, मुझ ब्राह्मण को, अगर मेरा चरित्र मेरा आचरण ये सब उत्तम कोटि का है तो बेल बन के जिंदगी भर दुखी रहेगा, मैं मेरा श्राप है, तो मुझे देख के क्यों हंसा, क्यों हंसा, क्यों हंसा, क्यों हंसा। एकदम गुस्से में आकर के ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। पीछे खड़ी खड़ी सुमुद्रा सुलभ वैश्य की पत्नी जो देख रही थी, देखते ही उसको जैसे कोई सर्पिणी को पैर से कुचलें तो जैसे आघात होता है, पति का श्राप सुनते ही वैसे ही सर्पिणी जो पद कुचलित सर्पिणी की तरह आघात हो गया उसको, मेरे पति को श्राप दिया, तू श्राप देता है, ब्राह्मण बना इसलिए श्राप देता है, मैं भी पतिव्रता हूं, मैं भी सती हूं, ये सच्चे है तो जो जिंदगी भर बार ढोने वाला गदा बन के गंदी चीज खाने वाला बनेगा, हे ब्राह्मण तो तुझे मैं श्राप देती हूं, श्राप देती हूं। एक क्षण में सुमुद्रा ने ब्राह्मण को श्राप दिया। ब्राह्मण ने सुलभ वैश्य को श्राप दिया बेल बनने का, सुमुद्रा ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया गधा बनने का। अब ब्राह्मण उस सुमुद्रा को देख के कहता है, तेरा पति का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा था इसलिए मुझे श्राप देना पड़ा, उस श्राप के योग्य वो था, और तू बिना कारण मुझ पर श्राप देती है। एक तो तेरा पति मुझे देख के हंसा, उसकी हंसी को रोक के उसको समझाना तो दूर गया, तू मुझे देख के श्राप देती है, तू चंडाली बनेगी और मिष्टा मल मूत्र खाती हुई फिरेगी, दुनिया के सबसे निंदक वस्तु बन के घूमेगी, ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप, ये मेरा श्राप। देखो सुबह उठा ना सुलभ वैश्य, प्रभु को नमन करके भक्ति करके उठा था, और ब्राह्मण को देखा ना तो मन में श्रद्धा लेके गया था कि मैं इस ब्राह्मण की अतिथि सेवा करके पुण्य करूँगा। सावधान रहना जीवन में, एक क्षण में ऐसी कोई घटना घट सकती है जिससे क्रोध आ जाए, जिससे कोई निंदा करने का मन कर ले, लेकिन कभी भी कुछ भी करने के पहले परिणाम की चिंता करोगे तो जीव भी लगाम में रहेगा ना मन भी लगाम में रहेगा। परिणाम की चिंता करोगे तो ही कल्याण होगा, अगर परिणाम नहीं सोचो मन में आवे जैसे बोलो, किसी का दिल दुखा, आपके जीवन में कोई दुख आना निश्चित है, उसके लिए श्राप की जरूरत नहीं है, कोई श्राप देगा तो ही हम पर काम करेगा ऐसे मत सोचना। किसी का दिल गुक्का, जैनों के क्षमा पर्व है, क्यों जैन लोग हर साल एक दिन क्षमा मांगते हैं क्या, साल में एक बार, रोज 365 दिन भी शाम के समय प्रतिक्रमण नाम का एक दिव्य समा आलोचना का वस्तु करके हर दिन कहते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा मांगता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई अगर पुण्यमय वस्तु है तो स्वयं को छोटा करके क्षमा मांगना, इससे बढ़िया कोई वस्तु नहीं है। क्षमा मांगने जैसे तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं है, जैन बड़े ही प्रेम से इस कर्म को करते हैं, धन्य उन जैन लोगों को जो दिल से क्षमा मांगते हैं और दिल से क्षमा देते हैं। अब समय पूरा हुआ, सुलभ वैश्य बेल बना, क्या बना, और ब्राह्मण का श्राप था कि तू बेल बन के खूब दुखी होगा, दिन भर परेशान होगा। अब बेलों का देखो, मेरा ही ऋषभ राशि है, ऋषभ राशि वाले बेलों की तरह मेहनत करना पड़ता है, कोई भी ऋषभ राशि वाला, ऋषभ यानी क्या,
हाँ, उनको बेलों की तरह, ऋषभ राशि वाला कोई भी हो, बेल की तरह उसको सुबह से रात तक काम रहेगा। सुलभ वैश्य बेल की तरह मेहनत कर रहा है, कोई उसको मारता है पकड़ के, तो कोई घसीट के खेत में हल जोताता है, तो कोई क्या करता है, तो बड़ा परेशान है। इधर गधा बना मधुसूदन ब्राह्मण, अब उस पर बार डोया जाता है, गधे को कोई अच्छा आहार नहीं मिलता, कागज से लेके कोई भी वस्तु खाना पड़ता है, क्या वस्तु मिला राम जाने, लेकिन जीवन बेकार होता है। इधर सुमुद्रा वैश्यानी चंडाली बन गई है, अभी चंडाल रूप कैसा होता है, घृणित कर्म करना है, कचरा बोरना, गंदगी का साफ करना, जो मिला गली में कीचड़ कुत्तड़ वो खाना, बड़ा बीभत्स रूप है उसका, वो रूप देखे तो ही बड़ा घबराहट होता है, वो रूप लेकर के घूम रही है गलियों में, गंदे फटे कपड़े, बड़े बड़े स्तन को ढकने के लिए कोई वस्त्र सही नहीं हो, और एकदम अव्यवस्थित रूप हो, और चेहरा देख तो इतना बीभत्स और इतना यूं अभद्र के देख के लोग डर जाते हों, ऐसे ही राक्षसी की तरह घूम रही है, क्योंकि श्राप काम कर रहा है। अब ये चलती चलती ये सुमुका वैश्यानी जो चंडाली बनी है, एक दिन ऐसे ही गांव के बाहर चल रही है, तो चलती चलती गांव के दक्षिण दिशा में ये गणेश जी का मंदिर उसके आंखों में पड़ गए। इतने में जैसे ही वो गणेश मंदिर देखते खड़ी थी, समझो कि भाग्य जब बदलता है या भाग्य जब रुटता है ना, तो वातावरण बदलता है, ध्यान रखना। अचानक कोई अनजाना आदमी घर में आया, या तो उससे खुशी मिल सकती है या उससे नुकसान हो सकता है। अचानक अनजाना कोई वातावरण में हवा तूफान धूप पड़ रहा है, या तो अकाल पड़ सकती है या अतिवृष्टि हो सकती है। वातावरण बदलता है जब भाग्य बदलता है। जैसे ही बाहर खड़के ये सुमुद्रा चंडाली ऐसे ही बाहर खड़के गणेश मंदिर को देख रही थी, क्योंकि उसको कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिला, जीवन में किसी देवी देवता की पूजा भक्ति का कोई अभ्यास नहीं हुआ, जीवन पूरा ऐसे ही बीता फालतू के चीजों में। अब देखी कि विशाल मंदिर है, शिखर है, ऊपर ध्वजा फड़क रही है, ध्वजा फड़फड़ करती उड़ रही है, देखती खड़ी रही। इतने में अचानक जोर से बरसात आने लगा, इतना जोर का बारिश, जैसे बारिश नहीं बरसात की बूंदों की जगह पत्थर गिर रहे हो, ऐसे बारिश गिर रहा है। क्या करें, अंदर घुस गई मंदिर में, मंदिर में जाके देखती है इतने बारिश से भीग गई, भयंकर ठंड लग, भयंकर ठंड, इतना ठंड के सहन नहीं हो रहा है। अंदर देखो तो मंदिर में बड़ी व्यवस्था जमी हुई है, उस दिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं लोग मंदिर के अंदर। अब गणेश चतुर्थी है तो कोई मोदकों की थाल सजाया है, कोई फलों की थाल सजाया है, कोई सुंदर पूरे मंदिर को सजाया है, कई साधु संत बैठ करके मात्र वायु का भक्षण करते हुए उस दिन योग कर रहे हैं व्रत के रूप में, कई बड़े बड़े सेठ उस दिन भगवान को सुंदर श्रृंगार से सजा के, रत्नों से सजा के अपने भाग्य को सराह रहे हैं, विभिन्न लोग विभिन्न प्रकार से, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई झालर बजा रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, तो कोई जाप कर रहा है, तो कोई धूप कर रहा है, तो कोई नैवेद्य चढ़ा रहा है, तो कोई नाच कर रहा है, तो कोई नृत्य कर रहा है, तो कोई पूजा कर रहा है, तो पूरे मंदिर में चारों तरफ हलचल मची हुई है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, तीन लोक सृष्टि थारी वंदन करे देवा। सब उधर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, चंडाली कभी मंदिर में गई हुई नहीं, भगवान कैसे जानती नहीं, भगवान की पूजा सेवा क्या होता है समझती नहीं, उसको तो ठंड लग रहा है बरसात में भीगी हुई। अंदर वाले तो मंदिर में पहले से बैठे हैं, व्यवस्थित भक्ति कर रहे हैं, इसको तो बड़ा ठंड लगने लगा। देखो ठंड लगने लगा, देखे कि क्या करूं, कहीं लकड़ी कहां से लाऊं बरसात में। मंदिर के अंदर जहाँ चबूतरा था, चबूतरे के नीचे थोड़ा धूप पड़ने के कारण दूर्वा घास उगे हुए हैं,
इसने सोचा कि थोड़ा तो भी ताप नहीं मिलेगा तो शायद बुखार आ जाएगा, बीमार पड़ जाऊंगी। तो दुर्वा घास तोड़ने लगी। अब दुर्वा घास तोड़ी तो दुर्वा घास तोड़ तोड़ के देखी कि अब इसको जलाऊं कैसे इस दुर्वा घास को। तो वहीं बाहर ही एक दीपक जल रहा था, वो दीपक से दुर्वा घास को जलाई और जलाने लगी। दुर्वा घास के बड़े से ऐसे बहुत बड़ा एक अंबार खड़ा कर लिया और उसको जलाने लगी। जैसे ही दुर्वा घास जलाई, थोड़ा सा घास खड़खड़ खड़खड़ करके जड़ सूखा होता है तो जलने लगा घास, थोड़ा सा इसको ताप आने लगा। इतने में बरसात की बिजलियां आंधी पड़ रही है तो जोर से एक हवा लगी। ये जो बाहर चबूतरे में बैठ के दुर्वा जला रही है, हवा ऐसी उड़ी कि इसके रखे हुए दुर्वा में से एक दुर्वा उड़ के भगवान गणेश के चरणों में जाके गिरा। कहां गिरा? भगवान गणेश जी के चरणों में गिर गया। और इसी समय देव योग से बैल और गधे भी वहीं आके मंदिर के पास पहुंचे उस दिन। अब बैल को और गधे को पुराने जन्म का वैर था, बैल को गधे पर वैर था, उसी ने श्राप दिया था। गधे को बैल पर वैर था, उसी ने हंसा था देख के। दोनों एक दूसरे को देखते ही बैल ने गधे को अपने सिंह से मारने की कोशिश की, अपना सिंह उठा के जोर जोर से मारने की कोशिश करे और गधा लात मारने की कोशिश करे बैल को। अब ये दोनों ऐसे करके करने लगे तो एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन इतने में देखते हैं कि यहाँ घास का ढेर पड़ा है। ये चंडाली भी बहुत सारा घास का ढेर लेके बैठ गई थी वहां। तो बैल और गधा थोड़ा देखे के थक रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में मुंह डाल डाल के घास को भी खाएं, और इधर देखो तो लड़ने भी लगे। इनके लड़ने और घास को लेने के चक्कर में इनके पैरों से मुंह से कई घास के तिनके गणेश जी के चरणों में गिर गए। लेकिन ये दोनों लड़ते हुए ने ये चंडाली भी उनको हटाने के चक्कर में धक्का मारती हुई, क्योंकि इसके रखे हुए घास में वो मुंह डाल रहे थे, इसके रखे हुए घास में पैर डाल के परेशान कर रहे थे। इन दोनों को मारने वो भागी, वो दोनों इसको मारने भागे। अंदर बैठ के भजन करने वालों को लगा कि ये क्या है यहाँ परेशानी अच्छे दिन में मंदिर में। ये तीनों को जोर जोर से पकड़ने के मारने की कोशिश की जो मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हैं। ये तीनों अब मंदिर में जो हम गबारा है जहां भगवान गणेश जी बैठे थे, तीनों भागने के चक्कर में, क्योंकि बाहर से तो किबाड़ बंद हो गया था बरसात के कारण, अंदर के अंदर ये दौड़े, अंदर के अंदर दौड़े। और जैसे जैसे दौड़ते जाएं इनके शरीर से पैरों से इधर उधर बिखर के दुर्वा जा जाके गणेश जी पर गिरे। अब गणेश जी मन में सोचते हैं कि आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मैंने आशीर्वाद दिया है कि कोई एक दुर्वा भी चढ़ा देगा सदा उस पर मेरी कृपा होगी, और इस चंडालिनी ने तो अपने ही कोई पुण्य योग से आज यहाँ प्रवेश किया है, ये तीनों श्रापित आत्मा बिना पुण्य मेरे मंदिर में कैसे आ सकते हैं, कोई पुण्य का ही कर्म होगा यहाँ आए होंगे और इनका ही पुण्य है। इसको जलाने के लिए 100 सूखे पत्ते 100 सूखे लकड़ियां मिल सकती थी, ये दुर्वा ही तोड़ के लाई और मेरे चरण में डाल दी, तो मैंने जो शास्त्र बनाया उसको पूरा करने के लिए मुझे आशीर्वाद दे। कौन सोचते हैं इधर देखो तो गांव वाले बड़े परेशान, एक चंडाली अंदर घुस के परेशान कर रही है, गधा और कहां बैल अंदर घुस गया, इनको निकालो निकालो, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। इतने में गणेश जी प्रसन्न होकर के अपने गणेश लोक से प्रमथ गणों का आदेश देते हैं, भाई आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है, मेरे नाम से दुनिया सेवा करती है और आज जो पूजा भक्ति करते हैं उनको अत्यंत उत्तम गति मिलती है, तो ये गधे बैल और ये चंडाली को पुष्पक विमान में मेरे लोक में ले आओ, इनका मैं कल्याण करूंगा। अब जितने साधु संत वहां बैठ करके, जितने मुनि भगवंत वहां बैठ करके साधना करते थे, जो भजन करने वाले भक्त थे, नैवेद्य फूल चढ़ाने वाले धनाढ्य श्रेष्ठी थे, सब देखने लगे कि आकाश से पुष्पक विमान आ रहा है। जैसे ही पुष्पक विमान आके मंदिर में उतरा, गणेश के गणों ने नीचे उतर करके खड़े होकर के पहले गणेश जी की प्रतिमा को प्रणाम किया। संत लोगों ने सोचा हमको लेने आए हैं, हम इतनी साधना पूजा करते हैं, हम इतनी तपस्या करते हैं, तो हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने पुष्पक विमान भेजा है।
सभी गणेश जी के गणों ने बेल और गधे को विमान में चढ़ाया। किसको चढ़ाया? हमारा विमान में चढ़ाया। और फिर चंडाली को विमान में चढ़ाया। संत लोग अचंभित हो गए, कहीं गण भ्रमित तो नहीं हो गए? सेवा हमने किया, ये तो मंदिर में आके झगड़ा कर रहे थे, इनको कहाँ ले जा रहे हैं ये गणेश जी के गण? सब आश्चर्य में हुए। कोई साधु कह रहा है कि मैं खाली हवा का भक्षण करते हुए भूखा बैठा था, मैं सोचा कि गणेश जी की कृपा मुझ पर होगी, ये गधे और बैल पर क्या कृपा हो रही है? ये गणों को पूछते हैं। तो उन गणों को पूछने के लिए सभी एकत्रित होकर के गांववासी, धनाढ्य लोग, वहाँ नृत्य करने वाले, भजन पूजन धूप दीप करने वाले, वहाँ खड़े होकर व्रत किए हुए लोग, वहाँ जो अर्चना कर रहे थे, वहाँ मंदिर में रसोई बनाने वाला, वहाँ का पुजारी, सब इकट्ठे होकर के पूछते हैं गणेश जी के गणों को, आप इनको कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मंदिर में आके मंदिर को धूल धूसरित किया और मंदिर को गंदा किया, या मंदिर के अंदर आग लगा के ताप रही थी ये चंडाली, इसको कहाँ ले जा रहे हो? गणेश जी के गणों ने कहा, अरे भाई, आज भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है, आज के दिन एक दुर्वा भी श्रद्धा से कोई डालता है तो उस पर गणेश जी की कृपा होती है, लेकिन ये लोग आप लोगों के से हटके हैं, आप लोग सुबह में उत्तम दुर्वा तोड़ के लाके पूजा किए, इनको कोई समझ ही नहीं है कि दुर्वा भी चढ़ाने से पुण्य होता है, लेकिन ये अयोग्यों को आज भाग्य खुलने के कारण इनका योग्य जग गया है और इन्होंने कई बार भागने के चक्कर में आज गणेश मंदिर की प्रदक्षिणा भी कर ली और दुर्वा चढ़ा के अकूट पुण्य भी कर लिया, इसलिए गणेश जी ने हमको आदेश दिया है कि इन तीनों को मेरे लोक में ले आओ, ये शाश्वत रूप से वहां कल्याण पाएंगे। ऐसे करते हुए सुलभ जो बेल बना था, मधुसूदन ब्राह्मण जो गदा बना था, सुमुद्रा जो चंडाली बनी थी, पूरा गांव देख रहा था न पुष्पक विमान में बैठ के गणेश लोक की ओर आगे बढ़ा। महाराज, आज का दिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश पूजा, गणेश आराधना, कलंक को टालता है। कृष्ण पर जो कलंक आया था, जरासंध के पास जाकर के श्यमंतक मणि लाने के लिए गए और जो कलंक की निवृत्ति गणेश पूजा से ही भगवान कृष्ण की हुई। कृष्ण को आज के ही दिन आशीर्वाद मिला कि तुम कलंक से मुक्त हो जाओगे। ऐसी दुर्वा की अनंत महिमा, अनंत लीलामय प्रभु की अनंत कृपा है।